नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज पारस एटेनियम से। आज हम लोग बात करेंगे गणेश के बारे में, जिसको ओरिएंटर भी कहा जाता है। आज हम इसके रख रखाव के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कनेर के पौधे के विषय पर। यह जो आप देख रहे हैं, ये एक हाइब्रिड कनेर है। कनेर में तीन वैरायटी आती हैं। एक तो जो पीली वाली आती है, वो बहुत बड़े पेड़ के रूप में डेवलप होती है, और दूसरी जो आती है रोड साइड आपको नजर आएंगी डिवाइडरों पे लगी हुई वो, और ये तीसरी वैरायटी है जिस जो हाइब्रिड होती है। हमारे कुछ कनेर के पौधे हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। कनेर में आपको तीन प्रकार के पौधे हर नर्सरी पर नजर आ जाएंगे। एक तो वो जो बहुत बड़े पेड़ों के रूप लेते हैं, पीले रंग के फूल होते हैं, और दूसरे वो जो रोड साइड आपको नजर आते हैं डिवाइडरों पर लगे हुए वो कनेर, और तीसरे ये हाइब्रिड कनेर। ये जो हाइब्रिड है ये गमलों में लगाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बूसी रूप लेते हैं और इनकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं होती है। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ये आपके 3.5 से 4-5 फीट तक की जाती है, उसके ऊपर इनकी लंबाई नहीं जाएगी। इसमें आपको कई कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, व्हाइट, पिंक, रेड। पर इनमें एक चीज है, जो रोड साइड आपको नजर में आते हैं डिवाइडर लगे हुए, उनके फूलों की साइज थोड़ी बड़ी होती है, इनके फूलों की साइज उनसे थोड़ी छोटी होती है। पर ये बंच में खिलते हैं ये भी, और जब खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये बहुत तेज ग्रो करता है। अगर बात की धूप की तो ये एक समर लवर प्लांट है, तो इसको आप खुद जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो उस जगह पे इसको रखिए, ये बहुत अच्छे से चलेगा। अगर बात करें पानी की तो इस पौधों को आप अगर 3-4 दिन पानी देना फूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इस पर ओवर वाटरिंग करते तभी भी इस पर कोई असर नहीं होने वाला है, ये इतना हार्डी प्लांट है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये आपके लिए, आप इसको अपने टेरेस गार्डन पे जरूर जगह दीजिए। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की, तो आप इसको प्रसाद के समय में, मानसून के समय में इसकी सेमी हार्ड वुड कटिंग ले लीजिए 7 से 8 इंच की, और उसको या तो पानी में या फिर रेतीली मिट्टी में इसको आप लगा दीजिए। ये बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें आ जाएंगी और ये ग्रोथ चालू कर देगा अपना। आप बात करें सॉइल मीडिया की, तो इसको भी अन्य पौधों की तरह ही वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, ये बहुत अच्छे से चलेगा।
अगर बात किया जाए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के अटैक की, तो इन पे बहुत कम नज़र आते हैं इनके अटैक, उनसे ये सुरक्षित रहता है। ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसलिए आप इसको अपने टेरेस गार्डन में जरूर जगह दीजिए। इसको आप साल में एक बार जरूर रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि इनमें रूट बॉन्ड बहुत जल्दी आते हैं, तो इसको आप टाइम टाइम से इसकी रिपोर्ट करते रहिए। इनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि इनके रूट बॉन्ड बहुत तेजी से होती है। अब बात करें कि फर्टिलाइजर की, तो इसको आप अन्य पौधों तरह साल में दो बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और महीने दो महीने में एक बार एनपीके 19:19:19:18:18:18 का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस पर छिड़काव कर दीजिए, या इसके सॉइल मीडिया में डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। ठंडी इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, तो ठंडी में ये एकदम सुशल चला जाता है, गर्मियों में ये पूरा आपको फूल से भरा हुआ नजर आएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है, तो आप हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी अन्य आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए पौधे के बारे में चर्चा करते हुए।